नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के स्टूडियो में हम कक्षा 10वीं वालों के लिए विषय विज्ञान में यानी कि साइंस में आपकी जो वार्षिक परीक्षा है फाइनल एग्जामिनेशन 2022 में, आज के स्टूडियो में हम आपके लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र लाए। अगर आप इस मॉडल प्रश्न पत्र को अगर याद कर लेते हो, पूरी वीडियो को देख लेते हो, तो आप 60-70% आराम से ला सकते हो। जिस प्रकार हमने आपको सामाजिक विज्ञान में बताया था, और आप सामाजिक विज्ञान में भी हमारी वीडियो देख कर कर ही आप 90% लाए हो। जी हाँ, 90% आए हैं। बच्चों का कमेंट देख सकते हो आप यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। सभी बता रहे हैं कि हाँ सर, पूरा पूरा आपकी वीडियो में आया, इसलिए कि इक्वेशन जो है अलग आ चुका है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में भी आपको पूरा पूरा तैयारी करवाने वाले। तो चलिए वीडियो। बच्चों, अगर पढ़ाई में डाउट्स आते हैं और वे डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो घबराइए नहीं, इसका भी सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है, तो उसकी फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, और 5 सेकंड के भीतर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप अपने पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी, कभी भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं या IIT JEE या फिर आपका सवाल CBSE UP बिहार राजस्थान या फिर अन्य किसी भी स्टेट का हो, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रहे हैं क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE NEET के ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सारे डाउट्स हटाओ और ले आओ अपनी पोजीशन रैंक 1। देखिए छात्रों, आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हमें दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, लोचुण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डायलेंस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या, अपना पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तो आपकी तन्यता कहलाती है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पतले तारों में किस में भाई, तारों में, त आ रहा है, त से तन्यता बन जाएगा। देख सकते हो, त से तन्यता बन रहा है, यानी कि तारों में खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और यहाँ पर आपको तीनों शब्द के अर्थ भी जानने। चालकता किसे कहते हैं भाई? चालकता जब धातु में विद्युत चलती है ना, उसमें विद्युत बहती है ना, तो वो चालकता कहलाती है। ध्वनिकता ने धातु को जब पीटते है, जब आवाज करती है। देखिए धातु है, इसको मैं पीटता हूँ तो यहाँ पर ये आवाज करती है, तो ये क्या, ये ध्वनिकता है। और आघात वर्णनीयता क्या होती है? जैसे कि मैंने अगर किसी धातु को पीटा, तो वो क्या होते है, वो उसका आघात पहुंचती है, यानी कि मतलब जब चपटी हो जाती है ना धातु, तो वो क्या होता है, आघात वर्णनीयता। लेकिन अधातुओं में क्या होता है, अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरे पूरे जो है ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए छात्रों, अगला प्रश्न आता है अपना, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों? वो कहते हैं सिनेप्स। अगला देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किस में होता है? तो बच्चों यीस्ट में होता है। अगला देखिए, अगला क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं अपन? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जनित्र कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो देखिए, पहला बोल रहा है घास, गेहूं तथा आम, नहीं घास, बकरी तथा मानव। तो ये वाला राइट क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए, घास को कौन खा जाती है? बकरी खा जाती है ना, और बकरी को कौन खा जाता है? मानव खा जाता है। इस प्रकार ये क्या हो रहा है, एक आहार श्रृंखला का जो है निर्माण हो रहा है। अब क्या घास को गेहूं खाता है क्या? नहीं खाता, इसलिए यह वाला गलत हो जाएगा। अब क्या घास को भाई क्या बकरी खाएगी? बकरी खाएगी। ठीक है, उस देखो बकरी खाएगी, बकरी को गाय खाती है क्या? नहीं खाती, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। अब देखिए घास को मछली खाती है क्या? नहीं खाती, इसलिए तीनों जो है गलत हो जाएंगे और ये वाला अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा है प्राकृतिक संसाधन, फटाफट से बताइए, तो आपको वन जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो कितनी होती है आवर्तों की संख्या? ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए मुझे पता है, लेकिन मैं आपका परीक्षा करना चाहता हूँ कि आपको पता है या नहीं। तो फटाफट से जाइए कॉमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में दोनों में बता दीजिए। ये देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बच्चों के लिए है ये वाले है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, देख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए, अगला अपना बच्चों की रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ पर पहला बोल रहा है, जल एक खालिस्तान हाइड्रोक्साइड है। मैं आपको बता दूँ, जल जो होता है ना भाई, वो एक उदासीन हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, उदासीन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? तो भाई क्या होती है, सुचालक होती है ना, सुचालक होती है। ठीक है,
अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, अपना मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला जो ऊतक होता है उसका नाम बताना आपको। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है ना, आपके यहाँ पर परीक्षण हो रहा है। अगला देखिए, अगला क्या है, जो भी बच्चे आंसर बताएंगे उसका अगली वीडियो में मैं आपको नाम लूंगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, पादपों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, जल के वहन के लिए, तो कौन, जाइलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाइलम, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, जाइलम, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, खालिस्तान पाए जाते हैं, यानी कि पराग कण पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं बच्चों, क्या पाए जाते हैं, पराग कण। अगला देखिए, आनुवांशिकी के जनक है तो कौन है, ग्रेगर जान मेंडल, कौन है, ग्रेगर जान मेंडल, ग्रेगर जी, ठीक है ना, ग्रेगर जान मेंडल, पूरा लिख लेना आप। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है, क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगला देखिए, अगला क्या है, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जू खालिस्तान तंत्र बनाते हैं, तो तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, कौन सा तंत्र बनाते हैं बच्चों, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं पूरे का पूरा अच्छे से, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला आता है बच्चों, यहाँ पर छात्रों सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, सही जोड़ी आपको मिलानी है। देखिए, सबसे पहले सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो कौन सी है, वो आ जाएगी आपकी पोटेशियम, क्या आ जाएगी, पोटेशियम, पोटेशियम में आपको एक लगा देना है, यानी कि इससे आपका पोटेशियम मिल जाएगा। अगला देखिए, सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो वो आपका होता है 180 से, है ना, 120 से 80 mmHg, ठीक है। अगला देखिए क्या है, पादप हार्मोन, तो इसका आंसर आपको बताना है, ये आपके लिए गिफ्ट है, ये और ये दोनों आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है ना, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। अगला देखिए, अगला क्या है, तारों का टिमटिमाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर क्या, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय क्या, अपवर्तन, ठीक है। अगला देखिए, लेंस क्षमता, तो लेंस क्षमता का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टर हो जाएगा, सॉरी डायरेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने वहाँ पर जा करके मिला दिया। अगला देखिए, जरा दूरदृष्टि दोष, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा द्विफोकसी लेंस, कौन सा हो जाएगा, द्विफोकसी लेंस। उसके बाद विद्युत विभवांतर, तो इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट, ठीक है, वोल्ट में आपका सही हो जाएगा। चलिए, ये यहाँ पर देख सकते हो आप, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी छात्र हैं वो यहाँ पर इसको लगा लीजिएगा, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और राइट स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए, तो होता है 7, ठीक है, 7, यानी कि उदासीन। अगला बोल रहा है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मिश्र धातु, क्या कहते हैं, मिश्र, मिश्र धातु, ठीक है ना, मिश्र धातु, समांगी मिश्रण को। अगला देखिए, हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस्टो, है ना, यहाँ पर, चलिए ठीक है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आपको ये गिफ्ट में दे देता हूँ, ठीक है। अगला देखिए, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों, निषेचन कहते हैं, क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र है, तो आपको बताना है फटाफट से, देखिए इसका भी आपको जो है एक गिफ्ट में, देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ, एक सवाई है, ठीक है ना, अगर आपको पता है कि नहीं याद है मुझे, ये सोचोगे आप तो ये मत सोचना, ठीक है। अगला देखिए, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए, तो बच्चों ये भी आपके लिए गिफ्ट का है, ठीक है। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया था, तो देखिए बच्चों इसकी ट्रिक है, निकट, आखिरी बार जब हम बोलते हैं आखिरी वर्ण, तो उसमें अ आता है, निकट, ट अ आता है, तो अ से अवतल लेंस, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए, तो ये भी आपका गिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र सभी इसको लगा ले, ओके स्टूडेंट्स। अब अगला देखिए यहाँ पर गाइज, श्वसन की क्रिया को ऊष्मा से प्रतिक्रिया क्यों कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, इन सभी का आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। अगला देखिए, अमलगम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। अगला देख सकते हो, संसारण क्या है वो आपको बताना है। अगला देखिए, मेंडलिफ की आवर्त सारणी का नियम लिखिए, मेंडलिफ की आवर्त सारणी का आपको क्या लिखना है, नियम लिखना है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत लिखिए, अष्टक सिद्धांत। उसके बाद अगला है धमनी और शिरा में कोई दो अंतर लिखिए। अगला देख सकते हैं, ऑक्सी व अनोक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए, दो अंतर आपको लिखने हैं, ठीक है। अगला देख सकते हो, कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन को आपको समझाना है ना, जैसे कि पौधों में कलम करते हैं ना, वही कायिक प्रवर्धन होता है ना। अगला देखिए, स्वपरागण क्या है,
ठीक है। अगला देखिए, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है ये आपको बताना है। पहले मैं आपको बता दूं, शब्द सीमा आपको इतनी लिखनी है जितना आपको अंक है, ज़्यादा भी ना लिखे कम भी ना लिखे, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो टाइम जो है वो वेस्ट होगा, कम लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए ना ज़्यादा लिखे ना कम लिखे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए, ठीक है। अगला देख सकते हो परावर्तन के नियम लिखिए, इसके अथवा में देख सकते हो अपवर्तन के नियम लिखिए। मैं आपको बता दूं छात्रों, इन दोनों के नियमों को आप जरूर से याद कर ले, ठीक है। अगला देख सकते हो ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम भी फिक्स है, बिल्कुल आना है, 99% चांसेस है। अगला देखिए, अगला क्या है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न अपना कि विद्युत विभव क्या है वो आपको बताना है। अगला देख सकते हो बच्चों, प्रतिरोध किसे कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है अपना 14 वाला, पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए, ठीक है। इसके अथवा में ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। अगला देख सकते हो, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, आपको संतुलित करना है या संतुलित है ना, तो यहाँ पर आपको इसको संतुलित करना है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। अगला देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। अगला देख सकते हो, अगला क्या है अपना, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है वो आपको बताना है, ठीक है। अगला देख सकते हो, टिंडर प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है अपना, अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है प्रिय छात्रों, अगला है अपना फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, अब दाएं की जगह बायां भी आ सकता है, ठीक है, आपको दोनों को याद करना है। अगला देख सकते हो, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है वो आपको बताना है, तो क्या है, CNG है, क्यों है, क्योंकि ये एक तो धुआं नहीं करती है, अच्छे मतलब कम बजट में उपलब्ध है, जब चाहो तब चला सकते हैं, वो आपकी खासियत लिख देना है। अब देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियाँ होती है लिखिए, ठीक है, देख सकते हो। और बच्चों मैं आपको बोलूँगा एक बार फिर से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो, वरना मत कीजिएगा। अगला देखिए, विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडे के सूत्र एवं उनके दो दो उपयोग लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो चार अंकों में बटा हुआ है, विरंजक चूर्ण धावन सोडा, अगर आप दोनों का सूत्र लिख दोगे तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे। इन दोनों को अगर आप एक एक उपयोग भी लिख दोगे, यानी दो दो उपयोग भी लिख दोगे, तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, एक एक नंबर इसके, यानी कि दो इसके चार नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण सही समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र बनाइए, आप यहाँ पर देख सकते हो एथेन प्रोपेन ब्यूटेन एथिन। मैं इन सारे को जो एक ऐसी वीडियो बनाया जिसमें मैं आपको सूत्र के द्वारा पूरा जो है अच्छे से समझाया, लेकिन वो टाइम नहीं है, आपको इसे डायरेक्टली समझना होगा, ठीक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखी, इसको आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला देख सकते हो, अगला क्या आपका, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन का नामांकित चित्र है। अगला चित्र क्या है अपना, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न अपना, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तम दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है, यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपके पूरे पूरे क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं, अगर आप इन सभी को तैयार कर लेते हो तो आपको आराम से पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना, यानी अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर देना, और कमेंट जरूर करके बताना उसका रीज़न क्या है। जय हिंद, जय भारत।